हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के ब्लॉग में मैं आपको लेके आया हूँ हुसैन सागर। सो दोस्तों, आपको थंबनेल में देख के पता चल ही गया होगा। सो अभी मैं लेके जा रहा हूँ आपको सीधा हुसैन सागर, और यहाँ वहाँ क्या क्या एक्टिविटीज है आपको पूरा दिखाऊंगा। सो वीडियो में बने रहे। दोस्तों मैं आ चुका हूं अभी हुसैन सागर। सो अभी मैं अंदर जा रहा हूं, मेन गेट है ये। अब देखिए, मेरे साथ आया मेरा वाइफ भी है, और अभी मैं हम लोग जा रहे हैं टिकट लेने के लिए। टिकट लिया। टिकट लेने के बाद दोस्तों अभी ये बैग जो है हम लोग यहां सबमिट करेंगे, क्योंकि अलाउड नहीं है बैग। सकते हैं अभी ये, इसके लिए 10 रुपीज लगाया। तो दोस्तों हम यहाँ से एंट्री होके आए हैं, क्योंकि वहाँ पर वीडियो अलाउड नहीं था, तो मैं अभी अंदर आ चुका। तो दोस्तों गेट के अंदर आते ही हम लोग को मिलेगा लुम्बिनी पार्क का असली नज़ारा, और लुम्बिनी पार्क में ये रिबुलिंग टावर है। यहाँ आके आप लोग इंजॉय भी कर सकते हो, और उसके बाद यहाँ पर लुम्बिनी पार्क में है ये वाटरफॉल, अपना फैमिली को लेके आके यहाँ पर इंजॉय कर सकते हो। तो दोस्तों हम लोग अभी जाएंगे हुसैन सागर की ओर। अभी बहुत मुश्किल से टिकट तो हो गया। देखिए मैंने दोनों कट कर लिया है, ये पहले बड़ा वाला में जाएंगे और स्पीड बोट में जाएंगे। स्पीड बोट का प्राइस है 350। अभी यहाँ चेकिंग कर रहे हैं टिकट, और चेकिंग होने के बाद हम लोग अंदर जा रहे हैं। और स्पीड बोट का है 350, और ये जो बड़ा बोट है उसके लिए पर पर्सन 50 रुपीज़। तो दोस्तों हम लोग जा रहे हैं अभी बोट में, और बोट में जाके यहाँ से हम लोग को स्टैचू तक जाने के लिए 15 मिनट लगता है। और हम लोग स्टैचू में जाने के बाद आपसे फिर बात करेंगे यहाँ का। एक बार आपको यहाँ पर नज़ारा दिखाऊंगा, कितना लोग रहता है, कैसा सीट है देख सकते हो। यहाँ एक अंकल मेरे को हाथ भी उठा रहा है, हाय बोल रहे हैं। सो देख सकते हो हुसैन सागर जो हम लोग आ चुका है अभी। सो आगे आपको बताऊंगा। ये है ड्राइवर, और ड्राइवर के सामने देख रहे हो जो गियर स्ट्रिंग अलग ही रहता है ये। तो दोस्तों हमारा नाव भी स्टैचू की ओर जाने लगा है। अब स्टैचू में पहुंचने के बाद आपको दिखाऊंगा स्टैचू कैसा है, और आपको वहां जाके बात करेंगे आपसे। देखिए
सो गाइस फाइनली हम लोग आ चुका है यहाँ पर जहाँ पर मैंने बोला था स्टार्टिंग में तो यहाँ पर आऊँगा बोल के, तो अभी आ चुका है। और यहाँ तक आने के लिए हमको बोटिंग की ज़रूरत पड़ी और यहाँ ये एक समुंदर के बीच में है और यहाँ पर बोटिंग के सहारे ही आएंगे। और काफ़ी मज़ा आया यहाँ पर, बहुत अच्छा है यहाँ पर देख सकते, मुझे तो बहुत काफ़ी मज़ा आया। और यहाँ पर एकदम सुनसान है मालूम, क्योंकि यहाँ पर समुंदर के बीच में है ये चीज़। स्टैचू बुद्ध भगवान का जो स्टैचू है इसका हाइट लगभग 52 फीट बोल रहे हैं। अभी हम लोग आया था पहले, तो अभी हम लोग जा रहे हैं वापस। सो नया लोग आ चुका है अंदर, तो यहाँ पर बारी बारी से आना पड़ता है, तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। ये गोल गोल होके जाना पड़ता है, देखिए। तो दोस्तों अभी हम लोग बोट से निकल गए हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं फास्ट बोर्डिंग में, तो वहाँ पर और भी मज़ा आने वाला है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं स्पीड बोट में। इसका टिकट है 350 ले सकते हैं, देख सकते हैं हम लोग को मिला। अभी जैकेट लगा के अभी जा रहे हैं हम लोग बोर्डिंग में, और हमने पहन लिया है जैकेट। अब जाएंगे दोनों और इंजॉय कर। चलो भैया अभी जाएंगे, अब तो चढ़ जा सुली पे यार, आ जाओ फर्स्ट में हूँ। अब स्पीड बोट में कितना स्पीड जाते हैं अभी मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए देख सकते हैं आप, बैक कैमरा भी किया है मैंने, फ्रंट कैमरा भी किया है, अभी आप लोग देख सकते हैं। वाह, अरे भैया कितना स्पीड है, कितना स्पीड, बस 50 का स्पीड में चल रहे हम लोग। सो अभी देख सकते हैं आप पूरा, हमने आज हुसैन सागर के बारे में तो बता दिया आपको, और यहाँ क्या क्या एक्टिविटीज है आप कर सकते हो, यहाँ के एंजॉय कर सकते हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और शेयर भी कीजिए। अगर आप लोग हैदराबाद घूमने के लिए आए हैं, तो अगर आने का प्लान है तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेस इन हैदराबाद तेलंगाना, यहाँ पर एक बार ज़रूर विजिट कीजिए। सो आज की ब्लॉग में यहीं पर अंत करना चाहता हूँ। सो तब तक के लिए जय हिंद।